एक स्पून चने की दाल, मूंग की दाल, माशरा, एक मूंग की दाल, इन सब दालों को आपने मिक्स करके, दालों को आपने अच्छी तरह मिक्स करके वॉश कर लेना है, भिगो देना है 15 से 20 मिनट पहले। पंद्रह बीस मिनट के लिए भिगो देना है। दाल में इतना पानी डाल के चढ़ाइएगा जिसमें दाल गल जाए। सोया डाल के इसे दरमियानी आँच पे पकाइएगा। 20 में कोई मसाला नहीं डलेगा, जब दाल हाफ गल जाएगी फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर मसाला। आधा चम्मच हल्दी, इसी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक छोटा टमाटर, सब कवर करके रख दें, एक बड़े स्पून घी, साबुत लाल मिर्च, लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा जीरा। ये दाल लहसुन से भरती है, इसकी बात ही अलग होती है, खुशबू होता है जब लहसुन फ्राई होकर ना, बहुत अच्छी खुशबू देता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है दाल वाल में। दाल की इस पोजीशन पे नमक ऐड करेंगे, ये दाल गल चुकी है बहुत अच्छी तरह। इमली का पानी 1 से 1.5 चम्मच, ये देखिए छोटी गरम मसाला, इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया हमने, पिसा हुआ हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया हमने, पुदीना डलेगा इसमें, सूखा हो पुदीना सूखा डाल दें, ताज़ा हो पुदीना तो ताज़ा ऐड कर दें, कोई सा भी हो। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दाल, घर में ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।